हमको ये बात बोल के टॉर्चर करती है कि तुम्हारा बाप गुंडा है। गर्मी का दिन है, अगर लड़के हो गर्मी लड़की को भी लगता है ना, अगर लड़की छोटा कपड़ा पहन ली हॉस्टल के अंदर तो उनमें उनको प्रॉब्लम ही है। बहुत घटिया फैमिली से है और धंधा करने आई है यहाँ पे तुम लोग। नहीं दिया तुमको बताएंगे, इतनी सड़ी सड़ी गाली दी है, तुरंत हम मृत्युंजय सर को चीज बोली कि आप समझते हैं मेरा बाप पहले पहले माने बाद में है रंगबाज, हम पहले बॉस हैं। ललमटिया ओपी क्षेत्र स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका नाहिदा नासरीन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर घंटों हंगामा किया। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंचे नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा, ललमटिया और विश्वविद्यालय ओपी की पुलिस ने छात्राओं को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया। छात्राएं अपनी जिद पर अड़ी रही और छात्रावास के मुख्य द्वार पर हंगामा व नारे के बाद कुलपति से मिलने की बात को लेकर विश्वविद्यालय पहुँच गयी। छात्रावास में रह रही दर्शा अनवार ने बताया कि वह TMBU की PG सेमेस्टर 2 की छात्रा है। कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, हॉस्टल में रह रहे हैं तो अधीक्षिका द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और जबरन गंदी गंदी गालियां दी जाती है। मेरा एडमिशन ना TMBU में भी है, ठीक ना, TMBU कॉलेज में, मैं PG की स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर सेकंड में, ठीक ना। और कोरोना को लेकर के अभी एग्जाम था, डेली चल रहा है, उसको लेकर के हमको बोला जा रहा हॉस्टल खाली करने की, तो मेरी क्या गलती है सर? जब यूनिवर्सिटी लेट चल रही है तो हमको हॉस्टल बुला रखा जबकि दोनों जन में एडमिशन है। और मैम हमको ये बात बोल के टॉर्चर करती है कि तुम्हारा बाप गुंडा है, तुमको यहाँ पर नहीं रहने देंगे। और गुंडे की बच्चा, चोर की बच्चा यहाँ पर, जिसके कारण हॉस्टल का माहौल खराब हो रहा है, इसको निकाला जाए। और ऊपर सब लोग बस यही डिसीजन लिया कि हमको निकाल दिया जाए। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं चाहिए? कारण यही है कि बहुत ज्यादा लड़कियों को टॉर्चर करती है, लड़की के फेवर में कभी नहीं रहती, हमेशा मैथ्स वाली के फेवर में रहती है, मतलब लड़की का कुछ सुनती ही नहीं है ये। प्रॉब्लम क्या होता है आप लोगों को? मतलब गर्मी का दिन है, अगर लड़के हो गर्मी लड़की को भी लगता है ना, अगर लड़की छोटा कपड़ा पहन ली हॉस्टल के अंदर तो उनमें उनको प्रॉब्लम ही है। बहुत घटिया फैमिली से है और धंधा करने आई है यहाँ पे। ये बात कौन बोला? सुप्रिंटेंडेंट हम लोगों को नहीं चाहिए, बस एक ही मुद्दा है, सुप्रिंटेंडेंट को हटाया जाए। मुद्दा क्या 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 कारण क्या है? क्योंकि ये लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, गैरेंटर पे उंगली उठाती है और हमेशा उसको इस तरह से प्रताड़ित करती है कि मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण सब शोषण करती है वो। क्या टॉर्चर, किस टाइप का टॉर्चर? हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाता है। क्या बोले? प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट मैम के खिलाफ। मैम नहीं चाहिए हम लोगों को। कौन रोका है आप लोगों? मैम ताला लगाया गया था, ताला लगा। हम लोग को मतलब कल रात से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का, लेकिन सुबह से ताला लगा हुआ है। घर में गार्जियन को टॉर्चर करते हैं, यहाँ फिर ये हमको टॉर्चर करती है। कौन मैम बोलते हैं? नादा नासरीन मैम, और मैम है यहाँ पर, हम लोग को नहीं चाहिए वो मैम। जबकि छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर नाहिदा परवीन ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। नगमा अनवार और दर्शा अनवार का सेशन 2017-19 है, वहीं उनका सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन वे दोनों जबरदस्ती छात्रावास में रह रही हैं। आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला है? ये कल सर हमारे आए थे मृत्युंजय सर, इन्होंने कहा कि आप दोनों लड़की खाली कर दीजिए हॉस्टल। कौन? नगमा अनवार और दर्शा अनवार। आप लोग का कोर्स भी पूरे हो गए हैं और यहाँ पे है, और एक का मैंने नगमा अनवार का एडमिशन नहीं लिया था। ये पूर्व में ताला स्टोर रूम का तोड़ दी थी और गैस सिलेंडर निकाल ली थी, जिसकी वजह से हमने नहीं लिया। उसमें आज कल आए सर कहें कि आपको ऐसा है, आप दोनों खाली कर दीजिए। तो ये लोग समय ले ली शनिवार का, तो कहें कि जाइए शनिवार को होगा। कल जो है सर सबका ग्रुप बना दिए हैं, सबका ये जिम्मेदारी है लड़की, ये जिम्मेदारी है लड़की। और कल 5 घंटा सर रहे हैं यहाँ पे, अगर विवाद इन लोग का करना था तो कल करते। कोई लड़की सर को 5 घंटे में नहीं बोली, ना मेरी शिकायत भी नहीं करी सर। जब हम मेस वाले 5:30 बज गया तो मेस वाले से एक गिलास पानी मांगा कि 9 बजे से हम यहाँ आए हुए हैं, पानी जो पिया तो दरक्षा अनवार ने यहाँ पर आकर के नहीं दिया। मेरा नाम नाहिदा, नहीं दिया तुमको बताएंगे, इतनी सड़ी सड़ी गाली दी है, तुरंत हम मृत्युंजय सर को फोन लगाया। ये आधे रास्ते में थे, कहीं मैडम जल्दी से आप निकलिए हॉस्टल से, उनका शायद कि मेरे पर हाथ लगा दे। हम बोले ठीक है सर, हम निकल जाते हैं, निकल गए। और मैंने विभाग को भी फ़ोन किया, क्या ऐसी जगह नौकरी करने से, काम करने से क्या फ़ायदा, जहाँ पर इज्जत ना हो। आपको कभी धमकी वगैरह भी दिया गया? जी,
कि रोड पर अगले साल जो हुआ था, ये लोग तो ताला तोड़ी थी, मुझे ये बोली कि आप समझते हैं मेरा बाप पहले माने बाद में है रंगबाज, हम पहले बॉस हैं। तो हम बोले क्या करना चाहती है, तो आपको हम उठा देंगे, उठा के फेंक देंगे। तो मतलब इन लोगों का सेशन तो खत्म हो गया दोनों बहन का? दोनों बहन का। फिर भी यहाँ क्या कारण है? कारण इन लोग से अब पूछा जाए सर, नहीं खाली कर, नहीं खाली, वो सर आए थे खाली कराने कल, इसी का ये हंगामा है। अब सब लड़की को ये आज हमको खाली करवा रही है, कल आपको, परसों उसको, और आप जाते हैं ना रात में, आपको हम उठवा लेंगे। हम बोला अगर मौत इसी बहाने मेरी है तो मरने के लिए तैयार है।